वहीं पे लगा हुआ है वॉच पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशिर मुनव्वर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबशिर मुनव्वर व्लॉग्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूं। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो असल में ना कल अब्बू ना कुछ पेंट लेके आए थे, तो आज ना पेंटर आया हुआ है, तो वो ना दीवार को पेंट कर रहा है। ये देखें जी, ऊपर वाली जो पर्दी है ना उसने उसको वाइट कलर कर दिया है। अच्छा, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ऊपर पर्दी को ना कारीगर ने सफ़ेद कर दिया है, तो नीचे जो दीवार है वो अभी उसी तरह खड़ी है, तो इसको भी सफ़ेद करना है। तो ये जो पर्दियां हैं इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, इस पर चॉकलेट रंग करना है। तो इसके ऊपर ना वो डिज़ाइन बना देंगे, तो ये इस तरह सफ़ेद उसने कर दिया है। तो अब नीचे वाली जो दीवार है वो बाकी रहती है, तो वो काम कर रहा है, तो इंशाल्लाह आज उम्मीद है ये कंप्लीट हो जाएगा। उधर ना कारीगर जो है ना वो दीवार को पेंट कर रहा है, तो उसके पे खाने के लिए इंतजाम करना है। तो अम्मी ना इधर कारीगर के लिए ना इधर ना अपनी शलजम का जो सालन है वो तैयार कर रही है, और साथ ही गोश्त भी है, और ना ये मिर्च और जो प्याज भी है उनका पेस्ट तैयार है। तो इधर आप देख रहे हैं भुवनी पे लगा हुआ है गोश्त। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं मसाला भी बन चुका है, अभी ग्रेवी का सामान जो है वो भी तैयार हो रहा है। तो फिर इसमें ना ये शलजम डाले जाएंगे, तो आपके साथ शेयर करेंगे कि गोश्त और शलजम का जो सलाद है वो किस तरह बनता है। मुबशिर भी ना इधर शलजम खा रहा है, ये ऐसे कच्चे खा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि पहले आपने शलजम और गोश्त का सलाद खाया है? नहीं नहीं खाया। तो फिर आज आप भी ना ट्राई करके देखें कैसा बनता है। और मैं, मेरे ख्याल मैं भी पहले पता नहीं, याद तो नहीं है, लेकिन चलो दोबारा से पहली दफ़ा खा लेंगे। बचपन में खाया होगा तो, लेकिन काफ़ी दिनों का मुझे तो याद भी नहीं है। तो आज पहली दफ़ा हम शलजम और गोश्त का सलाद जो है तैयार कर रहे हैं, तो हम भी खा लेंगे। मजे के हैं। हाँ जी, तो हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है, ये देखें जी, तो काफी प्यारा बना है माशाल्लाह से। इसकी खुशबू है वो भी काफी प्यारी आ रही है, ये देखें जी, शलजम का सालन है। तो इतना रोटी जो है वो भी तैयार हो रही है, ये देखें। हाँ जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कारीगर जो उन्हें सफ़ेदी कर रहे हैं, तो उधर खाना भी तैयार हो गया है। तो कारीगर से पूछते हैं कि अभी खाते हैं कि कुछ करके बाद में खाएंगे। हाँ जी भाई जान, जी सर, दोपहर की रोटी तैयार हो गई है, तो फिर क्या अभी खाओगे या कुछ? एक कोल लगा के जी। अच्छा चलो, अम्मा जी कह रही थी कि रोटी तैयार हो गई है, रोटी खा लें, तो आप कह रहे हैं कि एक कोट लगा के दोबारा, यानी कि आपका मकसद यही ना कि एक कोड़ लगा लेंगे तो रोटी थोड़ा खुश्क हो जाएगा। हाँ, रोटी खाने के दौरान ये खुश्क हो जाएगा ना। अच्छा, तो कारीगर ने सारी पर्दियाँ जो है ना वो सफ़ेद कर दी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, तो इंशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी वो ना उधर कलर बना रहे हैं जो उस डिज़ाइन के ऊपर करना है, वो लगाते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं कि पर्दियाँ कैसी लगती हैं। इधर कारीगर जो है ना वो कलर तैयार कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। हाँ जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कलर है, तो कारीगर पर्दियों का जो डिज़ाइन है वो इस कलर से कवर कर रहे हैं। तो ये सारे पर्दियों का जो डिज़ाइन है ये कलर कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे। हाँ जी, तो जो पर्दियाँ हैं ना वो कलर हो चुकी हैं, तो मिस्त्री जो है ना वो अब घर चला गया है। तो पर्दियाँ जो है ना उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है उसमें ना हमने चॉकलेट कलर किया है, ये देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है। बस ये वाले जो पर्दी है ना इसको भी अभी थोड़े दिनों में गिराना है, और ये जो पर्दी है ना ये डिज़ाइन इधर भी लगा देंगे, ये जो साइड है ना ये एक ही डिज़ाइन की हो जाएगी, और बाद में घर को पेंट करना रहता थोड़ा सा। इस साइड हमने वाइट कलर किया फिलहाल, और इस साइड भी कलर करना रहता है। तो जब चाचू का घर का पेंट होगा तो तब भी ना
ये जो सारा काम है ना हम इकट्ठा करवाएंगे। तो मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे इस तरह के न्यू आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।